छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। अंदर किसने आने दिया आपको? क्या खाक काम कर रही हो तुम? कोई भी मुंह उठाकर अंदर चला आएगा, नौकरी से हाथ धोना है क्या? जा जाके गार्ड्स को बुला कर लाओ। आप चाहे मुझे आज कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी बात कहे बगैर यहां से नहीं जाने वाली। आपको बताना चाहती हूं कि आपकी बेटी मेरे घर में है और सब कुछ ठीक है, ये मैं आपको नहीं कहूंगी, सच कहूंगी। और सच तो ये है कि मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर हमने हमने उन्हें अलग किया ना तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। मेरी बच्ची के बारे में मुझे भाषण देने आई है? वैसे भी बहला फुसलाकर अपने कब्जे में तो कर ही लिया आपने उसे। आप अभी भी ऐसा ही सोचती हैं? तो गलत भी तो नहीं सोच रही ना? काश, काश आप अपनी बेटी की मासूम आंखों को देखती, कैसे वो रास्ते को देखती रहती कि कब मेरी माँ आएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, क्या हम एक साथ मिलकर अपनी ईगोस, अपने एस्पिरेशंस को अलग रखकर उन दोनों को आशीर्वाद नहीं दे सकते? आज मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने सिड और रोशनी के रोके के लिए आज का मुहूर्त दिया, तो क्या हम वर वधु के पेरेंट्स होने के नाते एक साथ नहीं हो सकते क्या? जानती हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वापसी में एटीएम मशीन पे रुकिएगा, अगर एटीएम कार्ड है तो अपने अकाउंट में अपना बैलेंस चेक कीजिएगा और फिर अपने आप अपनी हैसियत आपको समझ में आ जाएगी। जो 150 रुपए वहां पड़े हैं उससे मेरी राजकुमारी की तरह पली बड़ी लड़की का ख्याल रख पाएंगी आप? मुश्किल होगा ना, बेटी जो नहीं है आपकी। लेकिन इसके बावजूद अगर ईमानदारी से सोचेंगी तो सही जवाब मिल जाएगा। लेकर जाए ना यहां से। क्या रिश्तेदारी निभानी है इनसे या तुम्हें ही नौकरी से निकाल दूं? इन लोगों को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये गरीब की बदुआ बहुत बुरी होती है मिसेस पटेल। मैं तो बस ये चाहती थी कि एक माँ अपनी बेटी के वो हर पल, हर खुशी उसमें शामिल हो, उसको मिस ना करे जो उसके लिए सबसे कीमती होती है। पर अफसोस, यहां आके मुझे आज ये पता चला है कि कुछ लोग तो बदनसीब भी होते हैं। एक बात और, रोशनी अब मेरी बेटी है और उसे जो सुख, जो खुशी, जो रिश्ता चाहिए ना वो मैं उसे दूंगी, जिसके लिए वो बचपन से तरसती आई है। एंड दैट्स अ प्रॉमिस।